जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम भाई। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह आया हूँ छत पे, यानी आज संडे है, छुट्टी है, तो सुबह सुबह छत पे आया हूँ, कुछ देखें काम क्या है। तो सेटअप में जो है पानी मैंने कर दिया है, उसका जितने भी परिंदे हैं सॉफ्ट फूड वगैरह डाल दिए, पानी भी डाल दिया। अब जो है खरगोशों को खोल लेते हैं। खरगोशों को खोल के पट्ठे में ले आया था रात को ही ले आया था, यानी कि शाम को, तो वो कल के पड़े हैं, वो इन्हें डाल देते हैं और चले खरगोशों को खोलते हैं। जी वो देखिए हम दोनों बाहर आए हैं और ये दरवाज़ा मैंने इनका खोल दिया, अभी ये बाहर आ जाएंगे और मैं जाके इनके लिए जो है पट्ठे ले आता हूँ। जी ये देखिए ये मैंने रखे हुए हैं, इतने काफ़ी हैं, दो तो खरगोश हैं हमारे छोटे छोटे से, इतने पट्ठे काफ़ी हैं इनके लिए, थोड़े से मुरझा गए हैं पट्ठे, बस ये खा लेंगे। वो देखें सब्जा थोड़ा सा पड़ा था, आलुओं के छिलके और प्याज के छिलके वगैरह, तो वो खा रहे हैं, ये अब डाल देते हैं, अब ये खा लेंगे। जी माशाल्लाह इन्होंने खाना शुरू कर दिया, धूप निकली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम साफ है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है। पर्दा जो है मैंने उठा दिया था और प्लास्टिक भी उठा दिया ताकि एयर वेंटिलेशन जो है वो बेहतरीन हो सके। तो आज अंदर चलते हैं और तमाम भाइयों को आज की अपडेट देते हैं कि सेटअप पे आज सब कुछ कैसा चल रहा है। अच्छा आज जो है मैंने ऊपर आया हूँ तो मैंने देखा है कि हमारी जो डव है ये पेयर जिसने बच्चे भी निकाले हुए थे, माशाल्लाह इसके बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो गए, खुद ही खाने लग गए हैं, अभी छोटे छोटे हैं, और इसने माशाल्लाह के आपके सामने बच्चे निकले हैं इसके, छोटे छोटे बच्चे थे जो इसके हैच हुए, और मेरे ख्याल से भी 15 दिन के बच्चे होंगे, और इसने दोबारा से अंडे दे दिए। और मैंने तो आज जब देखा मैं हैरान रह गया कि माशाल्लाह दोनों अंडे जो हैं वो इसने ले कर दिए। मैं इसको उठा के दिखाता हूँ आपको, एक अंडा तो नजर आ रहा है आपको, अच्छा एक ही। मैं जब सुबह आया हूँ मुझे लगा जैसे दो अंडे दिए हैं, लेकिन एक ही अंडा भी, तो इंशाल्लाह दूसरा अंडा भी कल दे देगी। तो यूं होता है कि डव की जो ब्रीड है वो बड़ी मजे की होती है। अभी इसके 15-20 दिन के बच्चे, 20 दिन के भी नहीं होंगे, 15 से 18 दिन के बच्चे हैं और इसने दोबारा से अंडे दे दिए हैं। तो डव का मजा तो है, लेकिन ये है कि सिर्फ दो ही बच्चे देती है। अच्छा इसका पेयर का देख लेते हैं कि इसने तो 4 अंडे दिए थे, वैसे इसके अभी दिन तो नहीं पूरे हुए, देख लेते हैं और तो नहीं अंडा दिए, 5-4 ही। जी तो आज जैसे समझ लाएगा ना इंशाल्लाह, इसके अंडों की हमने फर्टिलिटी चेक करनी है कि अंडे कितने फर्टाइल हैं और कितने इनफर्टाइल हैं, ये आज लाजमी करना है काम। काफी दिन हो गया मैं सोच रहा हूँ कि इनकी फर्टिलिटी चेक करें, लेकिन क्या करें टाइम ही नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह अब मैं अकेला हूँ तो फर्टिलिटी मैं कैसे चेक करूंगा, तो समीला आएगा शाम को तो फर्टिलिटी भी चेक करेंगे और तमाम भाइयों को वीडियो भी दिखाएंगे। अच्छा इसके माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि तीनों बच्चे जो हैं हमारे होगो के वो बाहर आ गए हैं, और मैं आपको इनको इनकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ कि बच्चों की क्वालिटी कैसी है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि फ्लावर इसका कैसा अच्छा है, ओहो भागते जाते हैं ये। अच्छा ये देखें कि इनका फ्लावर भी बहुत अच्छा है, और माशाल्लाह इनकी इस दफ़ा 3 बच्चे निकले और तीनों की क्वालिटी जो है वो बेहतरीन है। वो सबसे बड़ा था, ये अल्बाइनो से ज़रा छोटा है, और इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह फ्लावर इसका बहुत अच्छा है, डबल फ्लावर में तीनों। ये बच्चा जो है ये सबसे छोटा है, और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह, ये देखें देखें माशाल्लाह डबल फ्लावर में बच्चा है और बड़ा खूबसूरत पीसी भी, बड़ा अच्छा। तो इस दफ़ा माशाल्लाह अगर किसी भी पेयर ने 5 बच्चों की बजाय 2 बच्चे निकालने हैं या 3 बच्चे हैच किए, तो वो जो है ना वो 2-3 बच्चे जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होती है। तो ऐसे ही होता है, अगर ब्रीड कम आए तो वो ब्रीड अच्छी होती है। और माशाल्लाह ये पेयर जो है हमारा 4 अंडे इसने दिए हुए हैं, और अभी तक इसने जो है अंडे बच्चे हैच नहीं किए। चलो अल्लाह खैर करेगा, इनके लिए बिस्के भी बच्चे हमारे सेटअप पे आ जाएंगे फिंचेस के, और नीचे भी मेरे ख्याल से एक मटकी के अंदर अंडे आ गए हैं। अच्छा अब आपको जो मैंने आज सोचा था दिखाना वो ये है कि लव बर्ड के बच्चे आपको दिखाते हैं वो कितने बड़े बड़े हो गए। ये लव बर्ड का बॉक्स है,
और ये देखें माशाल्लाह जो हमारा बड़ा बच्चा है वो तो कवर होना जो है वो स्टार्ट हो गया है जी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा बड़ा बच्चा जो है ये कवर होना स्टार्ट हो गया है, सर इसका जो है अच्छा खासा कवर हो गया। और एक मिनट ये देखें माशाल्लाह, और जो दूसरा है छोटा बच्चा वो भी कवर होना स्टार्ट हो गया। एक दिन का फर्क है इनमें, लेकिन जो है ग्रोथ उसमें आपको पता है जिन भाइयों ने रखे हुए कि एक दिन से भी ग्रोथ का अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। ये देखें जी, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें भी जल्दी जल्दी बड़ा कर दे, तो फिर इन्हें भी जो है हम पकड़ के यहाँ पे छोड़ देंगे। ये भी माशाल्लाह बच्चे हमारे पाँच के पाँच कॉमन लिटिंग, और एक जो है वो ग्रीन फिशर का। ये देखें ये माशाल्लाह बड़े खुश रहते हैं, हेल्दी हैं। और आज मैंने जब इन्हें पानी दिया ना तो सारे बच्चे नहाए भी हैं, फिंचेस भी नहाए, फिंचेस के छोटे छोटे बच्चे अभी वो देख सकते हैं आप, फिंचेस के चारों बच्चे जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, तो माशाल्लाह वो भी। तो अभी ऐसे करते हैं वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और सुबह शाम को जब समीला आएगा तो इंशाल्लाह समीला आएगा तो उस पेड़ की फर्टिलिटी भी हमने चेक करनी है लव बर्ड के, कि उसकी फर्टिलिटी कैसी है, कितने बच्चे उसके निकलेंगे, कि चार अंडे उसने दिए कितने फर्टाइल होंगे और कितने इनफर्टाइल हैं। तो यहीं पे वीडियो को फिलहाल रोकते हैं जी। तो जैसा कि मैंने आप तमाम भाइयों से बात की थी कि समीला आएगा तो हम अपने लव बर्ड के इस पेड़ की कैंडलिंग करेंगे। ये हमारा वो पेयर है जिसने पहले भी बच्चे निकाले हैं, माशाल्लाह इस टाइम पांच बच्चे जो है इसके हमारे पास सर्वाइव भी कर गए और माशाल्लाह अवेलेबल है और अच्छे हेल्दी और बड़े हो गए। तो इसकी इस पेयर ने हमारे चार अंडे दिए थे, तो मैंने आपसे जो है पहले कहा कि समीला आएगा तो इनके अंडों की जो है कैंडलिंग करेंगे, तो समीला आ गया तो कैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। मोबाइल में ले लेता हूँ जिससे कैंडलिंग करनी है। अच्छा, कैंडलिंग करने के लिए टॉर्च ऑन कर ली, लव बर्ड जो है दोनों अंदर गए थे, चलो जी दोनों बाहर आ गए। अब इसके अंडों की जो है कैंडलिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह पहला अंडा इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह अंडा हमारा जो है फर्टाइल है, इसके अंदर वेन्स जो है वो साफ नजर आ रही है और अंडा माशाल्लाह फर्टाइल है जी। तो ये पहला अंडा था, इसको रख देते हैं वापिस और दूसरा अंडा उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह ये अंडा भी हमारा फर्टाइल है, ये देखें वेन्स नजर आ रही है माशाल्लाह। अच्छा, तो दो अंडे हमने अभी तक चेक किए और दोनों माशाल्लाह फर्टाइल हैं, अभी तीसरा उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह वेन्स इसके अंदर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह ये भी अंडा फर्टाइल है। अभी चौथा अंडा जो है लास्ट वो भी उठा लेते हैं, अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह ये अंडा भी हमारा फर्टाइल है जी। तो माशाल्लाह ऐसे होता है कि बर्ड्स की खिदमत की हो और बर्ड्स का ख्याल रखा हो तो बर्ड्स भी आपका ख्याल रखते हैं। अब माशाल्लाह आपको पता है हमारी रूटीन का कि रोजाना की बुनियाद में हम सॉफ्ट फूड भी इन्हें जो है प्रोवाइड करते हैं, और साथ में विटामिन जो है मल्टी विटामिन मैं आपको आपको दिखाई थी, वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऊपर। तो साइमंड्स के विटामिन मैं लेके आया था, हालांकि वो जो है लो क्वालिटी में है थोड़े से, यानी कीमत उनकी कम है, क्वालिटी वाइज वो माइलक के और एडिक के बराबर है, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो कम है। और माशाल्लाह उसका रिजल्ट जो है आपके सामने है कि चार अंडे पेयर ने दिए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह चारों अंडे जो है वो हमारे फर्टाइल हो गए हैं। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल जमजम बर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।